राजा का घर 30th फ्लोर पर। कल का मैच तो वो जीत ही गए थे, बस एक नंबर से रह गए। अच्छा तो तुम कहाँ रहते हो? सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग में, यानी कि वो स्टेशन के सामने वाली 30th फ्लोर की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग। तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। यहाँ से तो बहुत सुंदर नजारा दिखता है। रात में तो और भी सुंदर लगता है। ये हमारे बिल्डिंग का 30th फ्लोर है और यहाँ पर सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट भी लगी हुई है। यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर पक्षी भी दिखते हैं। काश मैं यहाँ रहता। क्या तुम्हें भी वैसा घर चाहिए? मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मेरे पास ऐसा क्यों नहीं? मैं उनसे इससे ज्यादा महंगा अपार्टमेंट खरीदने के लिए बोलूँगा। अचानक सुनियो को क्या हो गया? अजीब बात है मॉम, सुनिए हम भी वहाँ पर एक घर लेते और रहते हैं। इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम कह रहे हो। जानते हो अपार्टमेंट कितना महंगा है? और बगीचे वाले घर के साथ रहना सबसे बढ़िया होता है। ऐसा क्यों डैड? क्योंकि बगीचे की घास पर चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए। डैड की सोच कितनी पुरानी है, उन्हें नए जमाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। डोरेमोन, चलो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या तुम वो घर खरीद सकते हो? ओहो नोबिता, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? तुम हमेशा शुरू हो जाते हो। लेकिन डोरेमोन, तुम इस बारे में कुछ करने वाले थे तो क्या हो गया? अगर हम अभी कुछ करेंगे तो लोगों को परेशानी हो सकती है। हम रात को 2 बजे करेंगे। 2 बजे? लगता है मुझे खुशी के मारे नींद ही नहीं आएगी। उठो नोबिता, टाइम हो गया, उठ भी जाओ। अब बस बहुत हुआ। क्या हुआ डोरेमोन? ओहो तुम फिर से भूल गए। अरे हाँ डोरेमोन, मैं तो भूल ही गया था, हमें हाई राइज अपार्टमेंट खड़ा करना है। हाई राइज अपार्टमेंट तो नहीं नोबिता, ये हाई राइज एलिवेटर। ये हमारे घर को आसमान में ले जाएगा। आवाज मत करो नोबिता, मॉम डैड जाग जाएंगे। तुम इसे यहाँ क्यों लगा रहे हो? ये एक हाइपरस्पेस कनेक्टर है। जब हमारा घर ऊपर जाएगा तो इस गैजेट की मदद से हम आसमान में बिजली, गैस और पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी बात है। चलो इसे यहाँ लगाएं। 30th फ्लोर। खिड़की खोलो नोबिता, तुम्हें अच्छा लगेगा। सही कहा।
ऊपर आते वक्त कहीं हम दरवाजा बंद करना भूल तो नहीं गए? ये तो चोर है। भागना पड़ेगा।
मैं रोज इसे पानी डालूंगा। बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, जल्दी बड़े हो जाओ, जल्दी बड़े हो जाओ। इससे कुछ नहीं होने वाला। हे नोबिता, तुमने क्या गिफ्ट बनाया है? मैंने एक रुमाल बनाया है। मैंने दुनिया का सबसे महंगा रिबन मंगवाया है। मैंने सुना है कि डेकी सुकी खुद से उगाए हुए गुलाब के फूल देने वाला है। वो कितना अच्छा है। अच्छा तो हम चलते हैं। तुम भी जल्दी आना। कुछ तो करो ना डोरेमोन। कुछ करो मतलब? जल्दी कोई ऐसा गैजेट निकालो जिससे। अरे अरे क्या करो, मेरे पास ऐसा कोई। मैं सब डाल देता हूँ। अरे नहीं नोबिता, प्लीज, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है पार्टी के लिए। चलो हम चल के दुकान से उसके लिए कुछ खरीद लेंगे। आ जाओ। क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। मैंने जो सोचा था ये उससे बिल्कुल अलग है डोरेमोन। हाँ थोड़ा सा अलग तो लग रहा है। थोड़ा नहीं, ये बहुत ज्यादा अलग है। तुम समझे क्या डोरेमोन? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नोबिता। वो देखो। अरे वाह, शायद उसमें शिज़ुका के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट होगा। हो सकता है गिफ्ट उसके अंदर हो। इसे काट देते हैं। चलो जल्दी डोरेमोन। ये क्या है? ये नॉर्मल पानी है।
यहाँ नल के पानी में भी देख सकते हैं। तुम तो काफी आगे की सोच रहे हो। चलो चल के देखते हैं। जल्दी चलो। अरे ये तो अंधेरा है। ये पानी पाइप में था ना, इसलिए टैंक को एडजस्ट करते हैं। और ये हो गया। ये धुएं जैसा क्या है डोरेमोन? ये तबका है जब पानी एक बादल बनता है, फिर ये बारिश बनकर नीचे गिरता है और फिर ये पानी धरती में जाता है, उसके बाद समुद्र में और फिर वहाँ से ये नदियों में बहता है। नोबिता, वाह कितना सुंदर नजारा है। ये लड़का क्या कर रहा है? चलो इसे बड़ा करके देखें। अरे इसमें कितने सारे फंक्शंस हैं। वो तो पत्ते की नाव चला रहा है। वो उदास लग रहा है। इसी तरह बहुत जगह से होते हुए पानी जमा होकर फिल्टर होता है और फिर हमारे नल में आता है और इसी तरह हमारे घरों तक पहुंचता है। अच्छा ऐसे होता है। कितना कुछ सीखने को मिला ना। ठीक है, मैं अलग अलग जगह का पानी लेने जा रहा हूँ डोरेमोन। मैं जल्दी लौटता हूँ। ऐसी चीजों के लिए इसको नींद नहीं आती और खूब सारी मेहनत करने के लिए भी तैयार रहता है। देखो कितना सारा पानी लाया हूँ। पता है ये कहाँ का है? कहाँ का है नोबिता? पास के तालाब का। यहाँ पर तो कोई नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा। आगे चलते हैं। रुक जाओ, यहाँ बेंच पर कोई है। ये अंकल क्या तुम इन्हें जानते हो? वो पार्क में सो रहे थे, वही जहाँ मैं सोता हूँ डोरेमोन। ये कहाँ का है? ये पानी स्कूल के पास के नदी का है। देखकर लगता है मछली नहीं मिली। ये वाला पानी कहाँ का है? कोरे वा सुगुई यू। डकना डकना। शिज़ुका जंची ना ओहरा ना मिज़। काम नहीं मिला, अब मैं वापस कैसे जाऊं, उनसे क्या कहूं? चाहे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस चले जाइए। एनीवेयर डोर, आपका घर कहां पर है? आप कहां रहते हो? मुझे आपका एड्रेस नहीं पता है भैया, इसलिए मैं बोट से चिट्ठी भेज रहा हूं।
अगर ये पानी शहर तक बहता हो तो शायद कोई अच्छा इंसान चिट्ठी को उठा ले और आप तक इसे पहुंचा दे। डैड को हमेशा आपकी बहुत फिक्र रहती थी भैया, इसलिए जल्दी हमारे पास वापस आ जाइए। वैसे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे कमरे में आई